जैसे जैसे रेस 3 की रिलीज डेट करीब आती जा रही है, वैसे वैसे सलमान खान के फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि यह फिल्म आने वाले 15 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बात की जाए रेस और रेस 2 की, तो इसमें सैफ अली खान मुख्य भूमिका में नजर आए थे। जब रेस 3 की घोषणा हुई थी, तभी निर्माताओं ने कहा था कि इस बार सैफ अली खान इस फिल्म में नजर नहीं आएंगे। खैर, जैसे तैसे ही तीसरे पार्ट से जैकलिन फर्नांडिस और अनिल कपूर का नाम जुड़ा, तो यह अनुमान लगाया जाने लगा कि भले ही इस पार्ट में सैफ अली खान ना हो, लेकिन क्या रेस 3 में उनके किरदार रॉनी का जिक्र भी नहीं होगा। बता दें कि पहली रेस में बिपाशा बसु महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आई थी, लेकिन रेस 2 में उन्होंने कैमियो किया था। भले ही रेस 2 में बिपाशा का किरदार काफ़ी छोटा था, लेकिन वह इस फिल्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी थी। अब ऐसे ही उम्मीद की जा सकती है कि क्या रेस 3 में सैफ अली खान के किरदार के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, तो हम आपके सवाल का जवाब ढूंढ के ले आए हैं। अगर बात करें तो जब इस फिल्म के निर्देशक रेमो डिसूजा से इस सिलसिले में बात की गई, तो रेमो डिसूजा ने क्या जवाब दिया, आपको बताते हैं। बता दें कि रेस 3 में सलमान खान के साथ साथ अनिल कपूर, बॉबी देओल, साकिब शरीम नजर आएंगे। वहीं अगर हीरोइन की बात करें, तो जैकलिन फर्नांडिस और डेजी शाह अपनी अदाओं के जलवे बिखेरती हुई नजर आएंगी। बता दें कि फिल्म के निर्माता रमेश तौरानी हैं। वहीं कुछ दिनों पहले ही सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उन्होंने रेस 3 का ऑफर मिला था, लेकिन वह तीसरे पार्ट में कुछ कनेक्शन महसूस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उससे साफ करने से मना कर दिया। यानी वो इस पार्ट में नहीं होंगे, ना ही इस पार्ट में उनका जिक्र होने वाला है। तो देखना दिलचस्प रहने वाला है कि ये बाकी के पार्ट से कैसे जुड़ती हुई नज़र आएगी। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो, और जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि मिलेगी आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।